What's up guys, welcome back again to my YouTube channel। और कैसे आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो गाइस आज हम एक न्यू गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है कार फॉर सेल सिमुलेटर डीलरशिप, जो कि कॉपी है कार फॉर सेल की, लेकिन इसमें काफी चीजें बहुत ही ज्यादा अलग है। चलो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हमें इस गेम में करना क्या होता है। दरअसल इस गेम में हमारे पास एक दुकान होती है जिसको हमें नेक्स्ट लेवल जाना होता है। और हाँ, इस गेम में वो सारी लग्जरी कार्स है जो कि रियल लाइफ में होती है। बस इस गेम में हमें गाड़ी को खरीदना है और बेचना है। लेकिन ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो सीधा गेम के अंदर चलते हैं और मैं आपको सभी चीजें दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो हम गेम के अंदर आ चुके हैं। और भाई साहब, इस गेम के तो ग्राफिक्स मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहे हैं। और इसमें तो गेट भी लगा रखा है, वो अलग बात है कि मैं उस पार नहीं जा सकता। लेकिन एक सेकेंड, ये मेरी दुकान में कूड़ा किसने फैला दिया है? भाई साहब साफ करो इसे जल्दी से। यार यहाँ पर दुकान खुली नहीं, ये कूड़ा पहले फेंक देंगे बाजू वाले। लेकिन मुझे ये नहीं समझ रहा कि मेरा प्लेयर कूड़ा उठा तो रहा है लेकिन वो डाल कहाँ रहा है। छोड़ो हमें उससे क्या, हमारी जेब में थोड़ी जा रहा है। ओके, तो पूरा कचरा साफ हो चुका है। चलो दरवाजा भी खोल देता हूँ, खुल जा डमडम। तो चलो पहला टास्क हमारा ये है कि हमें अपनी दुकान का नाम रखना है। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसका नाम हम रखेंगे SG मोटर्स। चलो बाहर चलते है। तो अब हमारा दूसरा टास्क है कि हमें गाड़ी खरीदनी है और उसका एक का दो करके बेच देना है। तो चलो ये हमारा बस स्टॉप है और इसका यूज करके हमें पड़ोसियों के पास जाना है गाड़ी खरीदने। ओके, तो गेम वालों ने मुझे $7,000 पहले से ही दे रखे हैं और इसी पैसों से मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो सामने एक चिमकंडी बैठी हुई है, उससे शुरुआत करते हैं। चल भाई जल्दी से बताइए गाड़ी कितने में बेच रही हो। यार ये तो अपनी औकात से बाहर है, निकलो यहाँ से। वो सामने एक और लड़की है, चल तू बता तेरी गाड़ी कितने की है। 84,000। भाई साहब लूट मचा रखी है इन्होंने तो। इन पड़ोसी वालों को तो देख लूंगा मैं बाद में। चल भाई तू बता कितने में देगा। ओके 3,000 में दे रहा है ये तो। दे दे भाई, तू तो देव मानुष निकला, मैंने नहीं सोचा था इतने सस्ते में गाड़ी मिल जाएगी। चलो इसको लेकर अपने दुकान में चलते हैं, फुल स्पीड में भगाऊंगा इसे मैं तो। चलो दुकान चलता हूँ फटाक से। तो चलो दुकान तो पूछ चुके, अभी जल्दी से इसको बेचने के लिए लगा देता हूँ क्योंकि जल्दी से अमीर बनना है मेरे को। तो चलो चलते अपने PC पे। तो ये गाड़ी मैंने ली थी 3,000 की, तो इसे मैं 10,000 में बेचूंगा, एकदम ट्रिपल प्राइस में। मेरे से अच्छा डीलर कभी आपने देखा है कभी? तो चलो गाड़ी बेचने में लगा दी है, अब इंतजार करते कस्टमर का, देखते कब तक आएगा। और लो नाम लिया, कस्टमर हाजिर। अरे अरे अरे, 3 कस्टमर एक साथ, लगता है मोटा पैसा मिलेगा। आइए आइए, सबकी बारी आएगी। चल तू बता इस गाड़ी के लिए तू कितना देगा। ओके तो 10,000 में दे रहा है ये तो। रुक जा 2 मिनट, दूसरे से पूछ के बताता हूँ। ओके तो ये भी 10,000 में ही दे रहा है। रुको थोड़ा, तीसरे से भी पूछता हूँ। तो चलो ये भी उतना ही दे रहा है। तो चलो पहले वाले बंदे से ही गाड़ी खरीद लेते हैं क्योंकि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, पहली बोली उसने ही लगाई थी। अरे भाई साहब गाड़ी जैसे ही बेची रात हो गई यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि हमें बस पकड़ के चले जाना चाहिए घर पे सोने के लिए। तो चलो चलते हैं। फिलहाल तो मैं इस नल्ले से कंटेनर में रहता हूँ, लेकिन अमीर बनने के बाद अपने पास भी एक नया घर होगा। तो सभी को गुड मॉर्निंग, नया दिन आ चुका है। तो चलो आज हम बस पकड़ के रेड बार चलते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है। ओ भाई साहब इनकी दुकान तो मेरे से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन बेटे तू कौन है? ओ भाई साहब ये तो ब्लैक मार्केट है, टैब बेच रहा है ये तो। तो चलो ले लेता हूँ, देखते हैं क्या काम करता है। ओ इसे तो हम फोटो खींच सकते हैं। बेटे सबसे पहले तेरी फोटो खींचूंगा। चल मेरे पैसे वापस करने, तो ये फोटो पुलिस को दे दूंगा। चलो डर गया बेचारा, छोड़ देता हूँ इसको। तो चलो अंदर चलते है। ओ भाई तू क्या बेच रहे है? ओ भाई साहब इसने तो दारू दे दी, चलो देखते पीकर देखता हूँ। ओ भाई साहब मेरे कैरेक्टर को तो पूरा नशा चढ़ गया, मेरी तो भाई साहब पूरी स्क्रीन ही हिल रही है। लेकिन रुको एक सेकेंड, यहाँ पर एक और रूम है, देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है। ओ भाई साहब यहाँ पर तो सट्टा चल रहा है। तो चलो अभी देख ही लिया तो मैं भी एक दो हाथ मार ही लेता हूँ, वैसे मुझे पत्ते खेलना बिल्कुल भी नहीं आता। ओ भाई साहब जीत गया मैं तो, भाई क्या ही तो मजा आ गया यार। लेकिन रुको गाइस, मुझे यहाँ पर एक ट्रिक पता चली है। अगर हम बाय चांस गेम हार जाते तो हमें सीधा मेन्यू में आ जाना है और फिर उसके बाद कंटिन्यू करके फिर से गेम के अंदर आ जाना है। फिर उसके बाद हम जितने भी पैसे हारे थे वो हमें वापस मिल जाएंगे। तो चलो मैं इस ट्रिक का यूज करके आपसे मिलता हूँ 10 मिनट में। Approximately 10 hours later. तो गाइस आप देख ही सकते हो मैंने इस ग्लिच का कितना ज्यादा यूज कर लिया है। और भाई साहब मेरे पास 3,00,000 रुपए आ चुके हैं। चलो आज बहुत काम कर लिया, चलो जाके सो जाते हैं, बाकी काम सुबह कर लेंगे। ओके तो फिर से गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो नया दिन आ चुका है। तो चलो आज सबसे पहले अपने दुकान चलते हैं क्योंकि आज मैं पूरे दिन दुकानों में गाड़ियां भरने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले दुकान को अपग्रेड करते हैं क्योंकि यार बार बार गाड़ी को चला करना मैं बोर हो चुका हूँ, तो इतना दूर तो मैं गाड़ी चला कर लाने नहीं वाला, इसलिए हम गाड़ी को टो कराने वाले हैं क्योंकि यार उससे बहुत ही ज्यादा टाइम पास हो जाता है। तो चलो आज हमें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि अंबानी मेरे। तो चलो गाड़ी खरीदने जाने से पहले स्किल पॉइंट को यूज कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं बार्गेनिंग को अपग्रेड कर लेता हूँ जिससे हमें गाड़ियाँ और भी ज्यादा सस्ते में मिल जाएंगी। तो चलो आज फिर से बस पकड़ के चलते हैं पड़ोसियों के पास गाड़ी खरीदने क्योंकि भाई साहब बहुत पैसा है मेरे पास आज तो। तो चलो आप देखता हूँ कौन फालतू बोलेगा। ओ यहाँ पर एक घर है जो कि 60,000 का मिल रहा है, लेकिन मैं अभी इसे नहीं लेने वाला क्योंकि यार मैं गाड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। ओ कल तू ही थी ना जो फालतू बोल रही थी, बता अपनी गाड़ी कितने में देगी। 12,000 इस घटारा के लिए, तो मैं 5,000 भी ना दूं। चल 5,000 में मान रही है तो बता, नहीं मान रही है तो चल 8,500 में ले ले।
अरे इसको अपनी गाड़ी देने ही नहीं है, रख अपनी कटारा अपने पास। चल तू बता अपनी टैक्सी कितने में देगी? 25,000। रुक ये गाड़ी तू मुझे 20,000 में दे दे। अरे नहीं दे रही है तो चल 22,000 में तो दे दे। ओ दे दी इसने तो चलो अपने दुकान में भेज देता हूँ टो करा कर। चलो नेक्स्ट तू कितने में देगी? 22,000। नहीं यार तू इसे मुझे 18,000 में दे दे। ओ भाई दे दी इसने तो चलो इसको भी टो करा कर अपने दुकान में भेज देता हूँ। भाई साहब बार्गेनिंग में तो एक्सपर्ट हो चुका हूँ मैं तो, क्या मतलब कि मैं कंजूस हूँ। चलो फाइनली एक अच्छी कार दिखी। बता भैया अपनी गाड़ी कितने प्राइस में देगा? 49,000। नहीं यार एक काम कर तू 40,000 में डन कर दे। अरे भाई दे दी इसने तो। चल तू भी जा दुकान पे। तो चलो ये अपनी आखिरी गाड़ी है, बता कितने में दे रहा है? 22,000। नहीं यार एक काम कर तू इसे 18,000 में दे दे। यार नहीं दे रही है तो चल तेरा नाम मेरा 19,999 में डन कर ले। ओ भाई दे दी इसने तो चलो इसको तो टो नहीं करा सकते, इसको चला कर ही लेके जाना पड़ेगा। तो चलो इसको लेकर चलते, इसको भी मैं फुल स्पीड में चलाऊंगा। और ये रही अपनी दुकान और सारी गाड़ियाँ, बस एक एक करके हर गाड़ियों को मुझे बराबर पार्क करना है। 2,000 years later. तो चलो ये बस आखिरी गाड़ी है और लो ये भी पार्क हो गई। अभी जरा अपने पीसी पे चलते हैं और अपने दुकान को मस्त तरीके से सजाते हैं। तो सबसे पहले दुकान के फेंसेस ये घास वाले मस्त लग रहे हैं, चलो इनको ही लगा देता हूँ। चलो अब वॉल्स की बारी, मुझे तो यही सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा है तो चलो यही लगवाओ। तो चलो अभी फर्नीचर की बारी, वो ये फर्नीचर काफी ज्यादा मस्त लग रहा है तो चलो यही लगाता हूँ, क्योंकि यार ये वॉल्स के साथ काफी ज्यादा मैचिंग भी लगेगा। तो चलो दुकान के गेट की बारी, यहाँ पर तो भाई सब जो आ रहा है सब लगा, क्योंकि यार मैं दुकान को पूरी तरह अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मैं किसी भी चीज की कमी नहीं रखना चाहता। तो चलो अभी दुकान की बस आउटर वॉल बची है तो चलो इनको भी लगा देता हूँ। सिंपल और आउटस्टैंडिंग कलर देने वाला हूँ मैं तो यहाँ पर। तो चलो सब हो चुका है यहाँ पर, तो अब चलो इन सबके ऊपर थोड़ा सा नजर मार लेता हूँ। गाइस यार आप देख ही सकते हो कि पहले के मुकाबले ये दुकान अभी कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। अब जाकर इस दुकान में स्वयं गेमर वाली वाइब आई। तो चलो अभी टाइम पास नहीं करते, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जगह खाली है तो चलो इनको भी हमको गाड़ियों से भरना है। तो चलो सबसे पहले हर रोज की तरह सो के आते हैं। ओके तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन आ चुका है। तो चलो आज मेरे पास 1,30,000 रुपए है तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं पड़ोसी के पास गाड़ी खरीदने को। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इन पड़ोसी वालों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? हर रोज यहाँ पर बैठकर गाड़ियाँ बेचते रहते हैं। चलो छोड़ो हमें इससे क्या, हमें गाड़ियाँ मिल रही है सस्ते में वही काफी है। चल गंजे बता अपनी गाड़ी कितने में देगा? 32,000। नहीं यार तू मुझे इसे 28,000 में दे दे। अरे दे दी इसने तो। चलो इसको भी दुकान में भेज देता हूँ। ओ भाई तू तो BMW बेच रहा है, बता कितने में देगा? अरे 10,000। नहीं यार तू मुझे इसे 8,000 में दे दे। अरे नहीं दे रहा लगता है, एटीट्यूड आ गया इसमें तो। अरे ये तो वही गाड़ी है ना जो मैंने अभी पहले ली थी, नहीं चाहिए मुझे ये तो। ओ भाई साहब यहाँ पर तो ऑडी है तो चलो इसको भी दुकान में बेचते हैं। तो चलो अभी मेरे पास सिर्फ 7,000 बचे तो मैं सोच रहा हूँ इसके भी कोई एक नॉर्मल सी गाड़ी ले ही लूँ, एकदम डिसेंट सी गाड़ी लूंगा मैं तो। चलो ये दे रहा है देखता हूँ कितने में देगा। ओ 3,000। नहीं यार इसको तो मुझे 2,000 में दे दे। अरे नहीं दे रहा है तो चल जाने दे, 3,000 में ही दे दे। ओके गाड़ी तो मिल गई है बट इसको टो करा कर नहीं ले जा सकता तो इसको मुझे चला कर ही लेके जाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से मैं अपने शोरूम के लिए निकलता हूँ। ओके भाई साहब मैंने इतनी सारी गाड़ियाँ तो ले ली, मेरे पास जगह ही नहीं है रखने को। भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, चलो कोई ना एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो इन सभी को मस्त तरह पार्किंग में लगाता हूँ। अबे यार ये मेरी गाड़ी के ऊपर कचरा कौन फेंक के चला जाता है? सबसे पहले भाई साहब कचरा साफ करो यहाँ पर दो। तो चलो मैं अपनी सारी गाड़ियों को पार्किंग में लगाता हूँ और आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। Later. तो चलो फाइनली मैंने सारी गाड़ियों को पार्किंग में लगा दिया है और यहाँ पर दिखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है अभी। तो गाइस हमारा जो टास्क था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, मैंने अपने दुकान को पूरी गाड़ियों से भर दिया है और फिर हम ट्राई करेंगे कि इन सभी को बेचकर हमारा कम से कम 2-3 लाख का तो प्रॉफिट हो ही जाए। लेकिन इन गाड़ियों को मैं अभी सेल नहीं करूंगा, इन्हें हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बेचेंगे। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और हाँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना क्योंकि आगे चल के और भी ज्यादा मजेदार वीडियोस आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम।